सो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। यस, आज हम फ्लावर्स के पार्ट को समझेंगे, उन्हें जानेंगे, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर उससे पहले अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है सो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगर मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ सो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो अब जो फ्लावर के नीचे ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेम लाइक, इतना स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पेडिसिल। पेडिसिल, तो ये पेडिसिल, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यही पूरे फूल को उठा के रखता है। इसी के ऊपर फूल का सारा बोझ है, इसी के ऊपर फूल एग्जिस्ट करता है। सो ये फूल को उठा के रखता है, सो इसी से फूल एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर ये जो इतना स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेपल, सेपल या फिर सेपल्स। सो आपने देखा होगा, जब फूल छोटा सा एक बड होता है, बड मतलब कली, जब फूल एक छोटी सी कली होती है सो उसके ऊपर कुछ लीव्स, कुछ पत्ते लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो वो ये सेपल्स होते हैं, जो छोटे से फूल को किसी कीट, मतलब किसी बैक्टीरिया या फिर किसी बाहरी आपदा, किसी बाहरी डिजास्टर से उसे बचाए रखता है, जिससे फूल खराब ना हो। सो सेपल फूल को बचा के रखता है जब वो छोटा हो। अब ये जो बाहर लेयर होती है पतली पतली सी, ये इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पेटल्स। पेटल्स, तो पेटल्स ही फ्लावर का सबसे सुंदर पार्ट होता है। आपने देखा होगा जो रोज होता है वो रेड कलर का होता है, तो जो रेड कलर होता है वो इन पेटल्स में होता है। ये फ्लावर का सबसे सुंदर पार्ट होता है पेटल्स। सो अब पेटल्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक फीमेल पार्ट होता है और एक मेल पार्ट होता है। सो फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल बोलेंगे और मेल पार्ट को हम स्टैमेन बोलेंगे, जो पॉलिनेशन में फ्लावर की हेल्प करता है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे फ्लावर का सीड डेवलप होता है। सो पहला हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे स्टैमेन, मतलब ये मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल। सो इस मेल पार्ट को हम स्टैमेन बोलते हैं, स्टैमेन। स्टैमेन ये हमारा मेल पार्ट होता है फ्लावर का, मेल। टू पार्ट्स होते हैं स्टैमेन के अंदर, टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एंथर, एंड सेकंड फिलामेंट। स्टैमेन के अंदर होता है एंथर एंड फिलामेंट। सो फिलामेंट ये थ्रेड, ये धागे लाइक, जैसे धागा होता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं, जिसके ऊपर एंथर एग्जिस्ट करता है। अब एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिनेशन के अंदर। सो ये इनके ऊपर थोड़ा छोटा छोटा सा चूरा होता है, उन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। सो पोलन ग्रेन्स, जब हवा चलती है या फिर कोई इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स के ऊपर बैठता है सो वो पोलन ग्रेन्स को ले जाता है। सो ये पोलन ग्रेन्स जो छोटा चूरा होता है, ये ऐसे फीमेल पार्ट के ऊपर गिरता है। अब फीमेल पार्ट इसे हम बोलेंगे पिस्टिल, पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर फोर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स जाते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा इन पोलन ग्रेन्स को कैच करता है। अब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स चले गए, अब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से होते हुए जाएंगे इस स्टाइल में। ये स्टाइल होता है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल,
स्टाइल से होते हुए, ये एक तरह का पाइप होता है, स्टाइल से होते हुए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जाते हैं ओवरी में। ओवरी एक बाहरी परत होती है, एक बाहरी लेयर होती है जिसके अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिनेशन के अंदर। ओव्यूल, जब पोलन ग्रेन्स ओवरी से ओव्यूल के अंदर जाते हैं सो वो विकसित होके बन जाते हैं सीड। यहाँ इसके अंदर बनता है सीड जिससे हम उसी प्रजाति के और भी फ्लावर्स उगा सकते हैं, सीड। अब सो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिससे सीड बनते हैं। अब सो ये था पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये हमने आपको कुछ पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में जानकारी दी। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।